हाँ जी, आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं। आर्क वेल्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ वेल्डिंग दैट यूजेस वेल्डिंग पावर सप्लाई। हाँ जी, दैट यूजेस द वेल्डिंग पावर सप्लाई टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड बेस मटेरियल टू मेल्ट द मेटल एट वेल्डिंग पॉइंट। हम आर्क वेल्डिंग में करते क्या हैं, बेसिकली हम मेटल को पिघलाते हैं। कोई भी हमारे पास बेस मटेरियल होगा, मेटल होगा, ठीक है, हमने उसको पिघलाने के बाद क्या करना है, किसी और मटेरियल के साथ जोड़ने के लिए, या दो मटेरियल्स हैं, दो पीसेज हैं किसी भी मेटल के, हमने उनको जोड़ना है, उनको पहले जो है मेल्ट करेंगे, ठीक है, उस पॉइंट पे जहाँ पे वेल्डिंग करनी है, ठीक है, पावर सप्लाई हम दे देंगे, पावर सप्लाई को यूज़ करेंगे वेल्डिंग पावर सप्लाई, ठीक है। तो दोनों मटेरियल आपस में मेल्ट होने के बाद जो है ना जुड़ जाएंगे। टाइप ऑफ वेल्डिंग दैट यूजेज अ वेल्डिंग पावर सप्लाई टू क्रिएट इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड बेस मटेरियल टू मेल्ट द मेटल एट वेल्डिंग पॉइंट। ये रूल है बेसिकली, या यूँ कह लें उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब उसमें हम डीसी जो है ना डायरेक्ट करंट भी यूज़ कर सकते हैं और एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, कंज्यूमेबल भी हो सकता है, नॉन कंज्यूमेबल, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो आगे कौन सा है, और जो है इलेक्ट्रोड कंज्यूम होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है हमारे पास आगे जिस मेटीरियल, जिन जिन मटेरियल्स को हमने, जिन जिन पीसेस को हमने आपस में जोड़ना है, ठीक है। ये वेल्डिंग रीजन इज यूजली प्रोटेक्टेड बाय द बाय सम टाइप ऑफ शील्डिंग, गैस, वेपर और स्लैग, ठीक है जी। अब ये मैनुअल भी हो सकती है, फुली ऑटोमेटेड भी हो, सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकती है और फुली ऑटोमेटिक भी हो सकती है। इस वेल्डिंग के प्रोसेस को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने मैनुअल देखा होगा, मैनुअल प्रोसेस होते हुए, लेकिन इसको जो है ना वो फुली ऑटोमेट भी किया जा सकता है, ठीक है जी। अब टिग और मिग तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, टिग वेल्डिंग के नाम से और MIG मिग वेल्डिंग। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स गिवन हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, ठीक है जी, लक्स कोड आर्क वेल्डिंग है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। पहले पहले हमारे पास हम लिख ही लेते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, थोड़ी सी इसकी फिगर डायग्राम देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हम डिटेल में नहीं जा रहे टाइप्स की, लेकिन हम सिर्फ जो है इसकी डायग्राम देखते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है हमारे पास, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसकी सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए आप लोगों को, ठीक है जी। ये अब पाइप्स दिखाई गई हैं, ये देख लेते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है क्योंकि हमने गैस यूज़ करनी है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड है, ये नोजल दिखाई गई है, शील्डिंग गैस है, मोल्टन वेल्ड मेटल, ठीक है जी, शील्डिंग वेल्ड मेटल, ये शील्डिंग है इर्द गिर्द, ये दरमियान में इलेक्ट्रोड है, ये नोजल दिखाई गई है, शील्डिंग गैस है और इसकी जो है ना वो नीचे इसकी डिटेल जो है ना साइंस डायरेक्ट पे पड़ी हुई है, ये भी हम देख सकते हैं। तो उसके बाद था फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, उसकी भी डायग्राम आप लोगों को दिखा दें ताकि थोड़ा सा फ्लक्स क्या नाम है जी, कोड आर्क वेल्डिंग, ये इसी को देख लेते हैं, फ्लक्स कोड। अब इसमें भी हम नोजल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसमें
फ्लक्स की एक कोर होगी, ये यहाँ पे आर्क बनेगा, ये स्लैग है सारा, ठीक है जी। ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड होगा और शील्डिंग गैस भी इसमें। अच्छा ये नीचे बेस मेटल है और सॉलिडिफाइड वेल्ड। कोई और डायग्राम भी हम देख सकते हैं, ये देखें जी, स्लग स्पोर और वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है जी। इसमें ये टिप है, नोजल के अंदर टिप दिखाई गई है, टिप के आगे ही फ्लक्स कोर वायर है, नीचे आर्क है, नीचे गैस शील्डिंग है। मटेरियल, ये सबसे पहले मटेरियल है, ठीक है जी। अब मटेरियल जी वेल्ड मेटल है, जिसको हम ऊपर हमने जिसकी मदद से हमने वेल्डिंग करनी है। अच्छा यहाँ पे स्लैग बनेगा, नोजल हम रखेंगे यहाँ पे और आर्क बनेगा, ये सारा यहाँ पे प्रोसेस की तरफ हमें जा रहे हैं। प्रोसेस सिंपल, अच्छा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इसको भी हम सबमर्ज SUBMER, जल्दी से हम इसकी डायग्राम देखते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं जी। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग एक सिंपल डायग्राम देख लेते हैं जी। अच्छा जी, सबसे नीचे बेस मेटल है, ठीक है जी। ऊपर इसके शील्डेड स्लैग की एक लेयर है, और ये वाली जो लेयर है वेल्डिंग पूल है, यहाँ पे क्या बनेगा जी, मोल्टन स्लैग बनेगा। अच्छा ये यहाँ पे आर्क है बेस मेटल, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल वेल्डिंग करना चाह रहे हैं, कौन सी वेल्डिंग है जी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है जी। वेल्डिंग डायरेक्शन भी शो करवाई गई है, ये राइट से लेफ्ट की जाने में, दरम्यान में कंटेक्ट ट्यूब है, वेल्डिंग वायर्स वायर दिखाई गई है, ये फ्लक्स है इसके और ये आर्क, ठीक है जी। ये सारा शील्डिंग एटमॉस्फेयर दिखाया गया इर्द गिर्द इसके वेल्डिंग वायर के अराउंड के, ठीक है जी। अगली डायग्राम दिखा देते हैं आप लोगों को, गैस जंक्शन और वेल्डिंग। गैस कोई एक डायग्राम ले लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए आप लोगों के लिए। ये सेकंड डायग्राम, अच्छा ये बेस मेटल है, सबसे नीचे ऊपर फिलर रॉड होगा, ठीक है, और सॉलिडिफाइड मेटल वेल्डिंग मेटल ये टॉप पे दिखाई दिए बेस मेटल के ऊपर, ठीक है जी। शील्डिंग गैस होगी यहाँ पे थोड़े से एरिया में, एरिया के अंदर, फिर मोल्टन वेल्डिंग मेटल है। अच्छा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इसमें लेफ्ट से राइट शो करवाई है, ठीक है जी। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और वेल्डिंग टॉर्च हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको गैस टंगस्टन और वेल्डिंग का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसीजर की जाने बातें डायग्राम देखें आप लोग, आर्क वेल्डिंग की के प्रोसीजर में क्या क्या हमें चाहिए होंगे, सब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वेल्डिंग रॉड है, ठीक है, ये नीचे मटेरियल दिखाया गया। अच्छा इसके दो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, एक अर्थिंग का काम करता है, दूसरा टॉर्च, उसमें हम जो है ना वेल्डिंग रॉड को जोड़ देते हैं उसके अंदर, जो क्लैंप कर लेते हैं समझो, ठीक है, होल्ड कर लेते हैं। आर्क वेल्डिंग मशीन होती है हमारे पास, आर्क वेल्डिंग मशीन का को हम पावर देते हैं, तो ये एक स्विच है, टू इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक है जी। अच्छा वेल्डिंग का एंगल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कितना रखना चाहिए, कहाँ पे एंगल्स ऑफ वेल्डिंग रॉड, ये नीचे इसकी लिखा हुआ भी है, ये देखें जी, बेसिक एंगल ऑफ वेल्डिंग रॉड 45 है, ठीक है, 45 का एंगल, ये लेफ्ट पे रखें या राइट पे रखें वो आप लोगों की मर्जी है। अच्छा जहाँ पे ये तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमने वेल्डिंग कहाँ पे करनी है, 90 के एंगल पे भी रख सकते हैं,
जब हमने दो पीसेस आपस में जोड़ना होगा 45, 90 और 91, 80 का एंगल बन जाएगा, नॉट वेल मेल्टिंग। हाउ टू मेल्ट, ये प्रॉपर मेरे ख्याल में नहीं था। एक साइड वेल मेल्टिंग हो रही है, दूसरी जो है ना वो नॉट वेल। ये इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी अगर जो है ना वो वेल्डिंग की डायरेक्शन थोड़ी सी भी चेंज होगी तो फिर एक जो है ना पीस वो मेल्ट होगा, दूसरा पीस मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, लेस देन 90 था। अच्छा, प्रोसेस की तरफ आते हैं। क्लीन द मेटल बिफोर वेल्डिंग। अच्छा, ये कौन सी वेल्डिंग हम कर रहे हैं जी? आर्क वेल्डिंग। ठीक है, वैसे आर्क वेल्डिंग हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आके। आर्क वेल्डिंग ये हमने क्या खोला हुआ है जी? फंडामेंटल्स ऑफ गैस। अच्छा ठीक है, प्रिपरेशन है कंज्यूमेबल एनर्जी नेसेसरी फॉर दी प्रोसेस। फिगर इसमें भी शो नहीं की। चलिए इसको रहने देते हैं। ये है जी आर्क वेल्डिंग। पहले पहले डायग्राम देख लेते हैं जी। वेल्डिंग मशीन एसी आर डीसी यहाँ पे शो करवाई गई है। ठीक है, वेल्डिंग मशीन है। हमने क्या करना है, वेल्डिंग मशीन के ये समझें कि एक इलेक्ट्रोड होल्डर है, उसके साथ एक केबल को हमने एडजस्ट करना है। यानी एक केबल अटैच होगी इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ। ठीक है, उस इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को होल्ड करेंगे। ठीक है, दूसरी जो है ना वो वर्क केबल है, उसको वर्किंग के लिए भी समटाइम हम यूज़ करते हैं। अच्छा, आर्क जनरेट होगा कहाँ पे? ये जहाँ पे हम जिस वर्क पीस को या जिस मेटल के पीस को दूसरे पीस के साथ हमने जोड़ना है, दो पीसेस को आपस में जोड़ना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को टच करवाएंगे तो वहाँ पे स्पार्क होगा। स्पार्क होगा तो मेटल जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल भी हो सकता है और नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है। ठीक है जी, ये आर्क वेल्डिंग की सिंपल सी एक डायग्राम है। अच्छा, प्रोसेस पाइपिंग के नाम से है यहाँ पे, तो वैसे ओपन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आप लोगों को। अच्छा, इस फिगर को भी देख लेते हैं जी। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अक्रॉस द गैप बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द प्लेट टू बी वेल्डेड। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा गैप में से इलेक्ट्रोड और प्लेट। ठीक है, इलेक्ट्रोड में से होता हुआ करंट पास करेगा प्लेट के अंदर से जिसको हम वेल्ड कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस एनॉर्मस हीट। वहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है करंट फ्लो कर रहा है तो एनॉर्मस हीट, एक जो है ना हीट काफ़ी मिकदार में पैदा होगी। फिर उस वो हीट यूटिलाइज कहाँ पे होगी, उस मेटल को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए वो वहाँ पे यूज होगी। आयोनाइजेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द गैस। अच्छा, ये ओपन हो रहा है जी, आर्क वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन है। आर्क वेल्डिंग इज वन ऑफ द सेवरल फ्यूजन प्रोसेसेस फॉर जॉइनिंग मेटल्स। ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस है और मेटल्स को जॉइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी। द प्रोसेस दैट इज यूज टू जॉइन मेटल्स टू मेटल बाई यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मेटल को मेटल से जॉइन करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, और टू क्रिएट इनफ हीट टू मेल्ट द मेटल। जैसे अभी मैंने बताया कि इतनी ज़्यादा हीट होती है वो कहाँ पे यूज होती है, मेटल को मेल्ट करने के लिए। एंड मेल्टेड मेटल्स व्हेन कूल रिजल्ट्स इन द बाइंडिंग ऑफ मेटल्स। जब वो मेल्टेड मेटल्स जो है ना वो ठंडी होंगी तो फिर आपस में खुद ब खुद ही वो जुड़ी हुई होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, सिंस द जॉइनिंग इज एन इंटरमिक्सचर ऑफ द मेटल्स। ठीक है, द फाइनल वेल्ड जॉइंट, द फाइनल वेल्ड पोटेंशियली हैज द सेम स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज एज द मेटल्स ऑन द पार्ट्स।
ठीक है, क्योंकि इंटीरियर मिक्सचर होता है ना मेटल्स का, जाइनिंग जो होती है वो इंटीरियर मिक्सचर होता है मेटल्स का, तो उस जो जब ये ठंडा होगा तो वेल्डिंग जो जॉइंट होगा उसकी भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो कि पार्ट्स की थी। ठीक है, आगे आते हैं जी जो पैराग्राफ में सेकंड। इन आर्क वेल्डिंग इंटेंस हीट नीडेड टू मेल्ट मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है जी, एक शदीद या यूं कह लें एक बहुत ज़्यादा मिकदार हीट की, इंटेंस हीट जो है ना वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक आर्क से विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं जाहिर सी बात है वो जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, जिससे वो इलेक्ट्रोड में से होते हुए मेटल के ऊपर टच करेगी तो जो है ना वो एक स्पार्क वहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम गॉगल्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी आईज जो है ना वो, और बाकी एप्रन वगैरह यूज़ कर लेते हैं ताकि सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए आप लोग सेफ रहें। द आर्क इज फॉर्म बिटवीन द एक्चुअल वर्क एंड द इलेक्ट्रोड। ठीक है, आर्क जो बनती है वो यूँ कह लें कि जो मेटल होती है मेटल वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के दरमियान, दैट इज मैनुअली और मैकेनिकली गाइडेड अलोंग द जॉइंट। अच्छा, बेसिक आर्क वेल्डिंग एक डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने हेडिंग दी हुई है। द बेसिक आर्क वेल्डिंग सर्किट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1। एसी या डीसी करंट हम यूज़ करते हैं, ये नीचे डायग्राम भी है, इसी डायग्राम को भी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी, फिटेड विद वट एवर कंट्रोल मे बी नीडेड। ठीक है जी, इज कनेक्टेड बाई वर्क केबल टू वर्क पीस एंड ए हॉट केबल टू इलेक्ट्रोड होल्डर बाई सम टाइप। दो हमारे पास केबल्स दिखाई गई हैं, वर्क केबल दूसरी इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ, इलेक्ट्रोड केबल है इसको इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं, विच मेक्स इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट बिटवीन द वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के साथ ये कनेक्शन का तरीका बता रहा है कि कैसे हम जो है ना एसी या डीसी वेल्डिंग मशीन है उसको कैसे इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ हम कनेक्ट करेंगे। आर्क इज क्रिएटेड अक्रॉस द गैप। ठीक है, व्हेन द एनर्जाइज सर्किट एंड इलेक्ट्रोड टिप टचेज द वर्क पीस। ठीक है, जैसे ही वर्क पीस को टच करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जाइज होने के बाद आर्क जो है ना वो जनरेट होगी, येट स्टिल विद इन क्लोज कॉन्टेक्ट। अच्छा, टेम्परेचर कितना होता है जी? हाफ अबाउट 6500 फारेनहाइट, यानी इसको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो तो 3600। ठीक है, एट द टिप 3600 डिग्री जो है ना वो टेम्परेचर होता है इसकी टिप के ऊपर। ठीक है जी, इलेक्ट्रोड की टिप के ऊपर 3600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। दिस हीट, इतनी ज़्यादा हीट है तो ये मेल्ट करेगी बोथ द बेस मेटल एंड द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल समटाइम्स कॉल्ड क्रेटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट है 3600 डिग्री। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड को भी मेल्ट कर देगी, बेस मेटल को भी मेल्ट कर देगी और एक मोल्टन मेटल का एक पूल बना देगी। ठीक है, अच्छा, क्रेटर सॉलिडिफाइज बिहाइंड द इलेक्ट्रोड एज इट इज मूव्ड अलोंग द जॉइंट। ठीक है, एक बॉन्ड बनाने का लिख रहा है कि जैसे ही ये मेल्ट होगा फिर जहाँ पे ये जिस मेटल को हमें जिस मेटल का जोड़ना है तो ये वहाँ पे बॉन्ड बना देगा। अच्छा, ये आर्क शील्डिंग, शील्डिंग ऑफ वेल्डिंग आर्क क्या है जी? वेल्डिंग मेटल है ये, यहाँ पे आर्क शो करवाई गया, ये देखे ग्रीन कलर में बेस मेटल है। ठीक है जी, इसको हम रीड करते हैं जी। जाइनिंग मेटल्स रिक्वायर्स मोर देन मूविंग एन इलेक्ट्रोड अलॉन्ग दी जाए। मेटल्स एट हाई टेम्परेचर टेंड टू रिएक्ट केमिकली विद द एलिमेंट्स इन द एयर
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, रिएक्शन का के बारे में बता रहा है हमें केमिकली। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना तो मेटल्स पिघल रही होती है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हो जाता है, जो एयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उनके साथ। मेटल इन द मोल्टन कूल कम्स इन कंटेक्ट विद एयर, जैसे ही मोल्टन कूल एयर के साथ इन कंटेक्ट होता है तो क्या होता है, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स फॉर्म, ऑक्साइड्स बनना शुरू हो जाएंगे और नाइट्राइड बनना शुरू होंगे, डिस्ट्रॉय द स्ट्रेंथ एंड टफनेस ऑफ वेल्डिंग प्लांट। देयर फॉर मैनी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस प्रोवाइड सम मीन्स ऑफ कवरिंग द आर्क, इसलिए हम कवर कर देते हैं, एक शील्ड ऊपर हम लगा देते हैं ताकि कोई किसी किस्म का रिएक्शन ना हो बाहर के एटमॉस्फेयर से, आउटर एटमॉस्फेयर से किसी किस्म का रिएक्शन ना हो। द मोल्टन कूल विद अ प्रोटेक्टेड शील्ड शील्ड ऑफ गैस वेपर और स्लैग। ठीक है, मोल्टन कूल का किसी भी किस्म का जो है ना कनेक्शन ना हो, किसी भी किस्म का टच या बाहर के एटमॉस्फेयर से केमिकल रिएक्शन ना हो सके, इसलिए हम उसको शील्ड कर देते हैं, कवर कर देते हैं, दिस इज नोन एज आर्क शील्ड। ठीक है, ये आर्क शील्डिंग थी। ठीक है, उसको शील्ड क्यों करते हैं, ताकि मोल्टन टूल जो है वो कंटेक्ट में ना आए एयर के साथ और वो ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स ना बनाए। क्या नुकसान क्या होता है उसका, कि वो स्ट्रेंथ को और टफनेस को कम कर देता है। दिस शील्डिंग प्रिवेंट्स आर मिनिमाइज कंटेक्ट ऑफ मोल्टन मेटल विद एयर। ठीक है, ये इम्प्रूव कर देती है वेल्डिंग जॉइंट को, या वेल्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेन्यूलर फ्लक्स इसकी एक एग्जाम्पल है। एड डी ऑक्सीडाइजर्स टू दी वेल्ड, हम पहले से डी ऑक्सीडाइजर अगर यानी कि ऐड कर देते हैं तो ग्रेन्यूलर फ्लक्स इसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, डीऑक्सीडाइजर यूज़ करेंगे तो वो ऑक्साइड्स बनेंगे, तो उनको ऑक्सीडाइजर जो है ना उनके साथ मिलके कैंसिल, उनका रिएक्शन जो है वो कैंसिल करवा देंगे। ठीक है जी, सभी हम आते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ, आर्क वेल्डिंग में। अच्छा, सबसे पहले हमने प्रोसेस में क्या करना होगा, क्लीन दी मेटल। ठीक है जी, हमने मेटल को क्लीन करवा देना है, साफ करना है। ठीक है, सेट दी जॉइंट, दो पीसेस को अगर हमने जोड़ना है तो फिर क्या करें, उनके दरमियान जहाँ पे हमें जॉइंट बनाना है उन जॉइंट को हम सेट करेंगे, उसी पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, जिस पोजीशन में हमने उनको वेल्ड करवाना, स्ट्राइक दी इलेक्ट्रोड ए वेल्डिंग आर्क विल प्रोड्यूस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज बिल्ड अप अ वेल्डिंग टूल, आहिस्ता आहिस्ता मेटल पिघलेगी। ठीक है, 3600 डिग्री का हमने भी पढ़ा था, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो वो पिघला देगी इलेक्ट्रोड को भी आहिस्ता आहिस्ता, अगर कंज्यूमेबल है तो, और बेस मेटल को भी पिघला देगी। फिर स्टार्ट मूविंग द वेल्डिंग टूल अक्रॉस द मेटल। ठीक है जी, मेटल के जहाँ पे हमने वेल्ड करना है वो उस लाइन के अक्रॉस हम क्या करवाएंगे, वेल्डिंग टूल को मूव करवाएंगे। फिनिश द वेल्ड, ठीक है, हम क्या करेंगे, वेल्ड को फिनिश करवा देंगे। फिर स्लैग ऊपर जो एक्स्ट्रा मटेरियल और एक्स्ट्रा जो होगा उसको हम क्लीन करवा देंगे, फिनिशिंग देंगे। एग्जामिन द वेल्ड, ठीक है, और फिर अलाउ द मेटल टू कूल, हम मेटल को अलाउ करवाएंगे कि वो कूल हो जाए। एक और चीज़ यहाँ पे हम ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग है, इसमें मैनुअली हम नहीं करेंगे, हमारे पास मशीन होती है। ये फॉर एग्जांपल आर्क वेल्डिंग सिस्टम दिखाया गया है बेसिक। अच्छा,
यहाँ पे कुछ रोबोट्स भी पड़े हुए हैं, ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग रोबोट्स भी, रोबोट्स को भी हम यूज़ करवा सकते हैं। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दिखाया गया है, ये क्या है जी, चाइना ऑटोमेटिक आर्क सेटरेट सीम वेल्डिंग मशीन, ठीक है, ये ऑटोमेटिक एक मशीन है। और भी है जी हमारे इधर यहाँ पे सर्च में शो हो रही है। ये फॉर एग्जाम्पल सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और वेल्डिंग मशीन है, ये सिंगल फेज ऑटोमेटिक मशीन को आर्क वेल्डिंग मशीन है ये, ठीक है, 200 एम्पेयर पे, और आगे इसकी कुछ प्राइस वगैरह भी शो हो रही है। चलें इसको वैसे देखते हैं, यहाँ पे इनको हम कर रहे थे। अच्छा इसके आते हैं, यहाँ पे टू पार्ट्स कह रहा है, ये इंक्लूड्स वेल्डिंग मशीन, सीम वेल्डिंग है टू पार्ट्स, ठीक है जी, स्पेशली डिजाइन स्टेट सीम, ठीक है जी, एंड स्टैंडर्ड वेल्डिंग स्वीट स्पॉट, ठीक है जी। यहाँ पर लोगों ने डायग्राम देख ली, ऑटोमेटिक मशीन, यहाँ पे वैसे आप लोग लिख भी सकते हैं। वर्क्स कैसे काम करती है जी ऑटोमेटिक मशीन, ऑल इस पे आए,